जनपद शिक्षा केंद्र किरनापुर में दिव्यांग बच्चों को किए गए उपकरण वितरण। कलेक्टर सह मिशन संचालक श्री दीपक आर्य के निर्देशानुसार एवं जिला परियोजना समन्वयक श्री पीएल मेश्राम जिला शिक्षा केंद्र बालाघाट के मार्गदर्शन में दिनांक 30 जून 2021 को स्थान जनपद शिक्षा केंद्र किरनापुर में दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखंड की शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों को 10 व्हीलचेयर, 8 ट्राईसाइकिल, 6 श्रवण यंत्र एवं 6 बैसाखी, कुल 27 बच्चों को उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक महोदया सुश्री हीना लिखीराम कावरे, अध्यक्ष जनपद शिक्षा समिति किरनापुर श्री हिम्मतलाल गढ़वंशी, विधायक प्रतिनिधि तथा बीआरसी कार्यालय से समस्त कर्मचारीगण एवं दिव्यांग बच्चों के पालकगण एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। एमपीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए किरनापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भीमटे की रिपोर्ट। हमारी मीडिया की पूरी टीम, आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमेशा होते रहता है, जिन बच्चों को जिन उपकरणों की जरूरत पड़ती है उन उपकरणों को उपलब्ध शासन की तरफ से करवाया जाता है। ये सब शासकीय कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं और मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि शासन की तरफ से जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन सब की योजनाओं का लाभ दिलवाने की जवाबदारी तो हमारी है, लेकिन उन सब से हटकर मैं आप सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो जितने योजनाएं बनती है सरकार की वो सब उन लोगों के लिए उन लोगों तक पहुंचाना ये तो हमारी जवाबदारी है, लेकिन कई बार योजनाओं से हटकर भी हमको सोचना पड़ता है। जैसे अभी जिन बच्चों का उदाहरण आप सबके सामने दिया जा रहा था कि दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो यहाँ तो बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन उनके माता पिता उनके साथ आए हैं। जितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है बच्चों के साथ उनको देखते हुए उनको बड़ा करने में, तो परेशानी के साथ साथ आपको उन बच्चों में क्या खूबियां हैं ये शासन स्तर पर समझ पाना उतना संभव नहीं है जितना आप लोगों को पता है। इसलिए मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से भी चाहती हूँ कि हर बच्चे में एक गुण होता है, सबके लिए अलग अलग ईश्वर ने तय करके रखा है कि किसको कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, और आपके बीच जो बच्चे हैं ये तो वास्तव में ईश्वर का रूप है, इसको जिस साँचे में आप ढालना चाहते हो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, माता पिता से ज्यादा उसको कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए शासन की योजनाओं का लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में ये गुण है और उसको लेकर वो आगे बढ़ सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे लिए ऐसे तो संभव नहीं होता कि एक एक व्यक्ति से हम संपर्क करें कि आपको क्या आवश्यकता है, आपके बच्चे को हमारे क्या आवश्यकता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। शासन की योजनाओं को तो लाभ मिलेगा, जैसे हर बार मुझे अच्छे से पता है कि हर साल विधायक निधि का कुछ पैसा जिले को हम देते हैं और उस पैसे का उपयोग साइकिल खरीदने के लिए या अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए किया जा रहा है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से ज्यादा क्या हो सकता है वो काम करने का। मैं इसके अलावा भी कह रही हूँ कि हमारे जितने टीम है यहाँ पर जो काम करती है बच्चों के लिए, आप लोगों को यदि ऐसा लगता है कि बच्चे में ये क्वालिटी है उसको ऊपर हमको लेकर आना है, तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से चाहती हूँ कि आप व्यक्तिगत संपर्क करें और उस बच्चों को हम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, प्रदेश स्तर की कोई बात हो, जिले स्तर की कोई बात हो या अलग से कोई व्यक्तिगत आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़े, तो निश्चित रूप से मैं सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। हमारा काम केवल इतना ही है कि जो योजनाएं उनका लाभ दिलवाए और उनसे खर्चा जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो करें। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते रोड पुल लिए विकास कार्य करवाना